फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए विजिट ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रथमेश सर। हमारा इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट का थर्ड लेसन प्रोग्रेस में है जिसका नाम है ऑन विंग्स ऑफ करेज। ठीक है, तो इस लेसन में हमें जो हमारे मार्शल है, एयरफोर्स मार्शल जिनका नाम है अर्जन सिंह, उनके बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो उसी इस लेसन का हमने पिछले एक वीडियो लेक्चर देखा है, आज का दूसरा वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक पेज कंप्लीट किया था, आज के वीडियो लेक्चर में और एक पेज कंप्लीट करेंगे हम, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस लेसन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पेज को शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। क्या दिया है सेकंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में? इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज फीट ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला यहाँ पे लेखक क्या बता रहे कि ये जो हमारे अर्जन सिंह है उनको पहली बार एक किताब मिला। ठीक है, उनको साउथ ईस्ट एशिया का जो सबसे बड़ा कमांडर वाला किताब रहता है वो मिला, जिसका नाम है डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, डीएफसी का अवार्ड मिला उनको। ये अवार्ड मिलने वाले द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट। पहले इंडियन पायलट थे जिनको ये अवार्ड मिला था। बराबर, सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स आरएएफ क्रैनवेल इन 1938 व्हेन ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड। जब हमारे जो सिंह है अर्जन सिंह वो 19 साल के थे तब उनको क्रैनवेल के आरएएफ फोर्स रॉयल एयरफोर्स में उनको ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया। बराबर, ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969 में उनको रिटायर्ड हो गए। बराबर, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है? सिंह वॉज बर्न ऑन अप्रैल 15, 15 अप्रैल को उनका जन्म हुआ है 1919 में। बराबर, 1919 में उनका जन्म हुआ है। कहाँ पे? लिमपुर में हुआ है, जो के अभी का पाकिस्तान का जो फैसलाबाद है वहां का एरिया है। और उनका जो कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट मॉन्टगोमेरी, वहां मॉन्टगोमेरी में उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, जो के अभी का सहीवाल नाम का शहर है जो के पाकिस्तान में है। ठीक है, हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन वॉज टू फ्लाई वेस्टलैंड वापिती बाइप्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस एज अ मेंबर ऑफ नंबर 1 आरआईएएफ स्क्वाड्रन। तो उनका जो पहला असाइनमेंट था, पहला जो काम था उनका एज अ एयरफोर्स मार्शल करके, ठीक है, या फिर उन्होंने जब इस ट्रेनिंग के बाद जो काम किया पहली बार, तो वो पहला काम उनका क्या था? तो वापिती बाइप्लेन्स में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस में काम करना था, केस पोस्ट पे काम करना था उनको, तो नंबर 1 आरआईएफ स्क्वाड्रन पे काम करना था। ठीक है, आरआईएफ का स्क्वाड्रन जो था, स्क्वाड्रन के बारे में बताया था, यानी ग्रुप होता है, तो उनका नंबर 1 पायलट के रूप में उनको काम करना था। बराबर, नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने? आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट विद द न्यूली फॉर्म नंबर 2 आरआईएफ स्क्वाड्रन वेयर द मार्शल न्यू अगेंस्ट द ट्रेबल फोर्सेस ही लेटर मूव बैक टू द नंबर 1 स्क्वाड्रन एज अ फ्लाइंग ऑफिसर ऑन टू फ्लाई द हैकर ह्यूरिकेन। ठीक है, ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944। ठीक है, तो उन्होंने इस पैराग्राफ में क्या बोला है? तो ये जो हमारे अर्जन सिंह है उनको नंबर 2 आरआईएफ स्क्वाड्रन के लिए भी लिया गया था, मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्रेबल फोर्सेस, जो ट्रिबल फोर्सेस है, ट्रिबल यानी आदिवासी, तो उनके जो फोर्सेस है उनके यहाँ उनको नंबर 2 में भी लिया गया था। उनके बाद फिर से उनको नंबर 1 स्क्वाड्रन में जगह मिली थी। ठीक है, कहाँ पे? हैकर हरिकेन में, टू फ्लाई हैकर हरिकेन फ्लाई करने के लिए उनको मिला था। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने कि उनको रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर करके भी प्रमोट किया गया। कब? 1944 में, 1944 में, फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट
ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस डीएफसी इन 1944। इसके बारे में पहले भी बताया कि 1944 में उनको डीएफसी का अवार्ड मिला है, बराबर डीएफसी का जो अवार्ड मिला वो 1944 में मिला है। और अगस्त 15 अगस्त 1947 बराबर, यानी कि अपना इंडिपेंडेंस डे, उस दिन क्या हुआ तो ही अचीव द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग फ्लाई पास्ट ऑफ ओवर 100 आईएएफ क्राफ्ट ओवर द रेड फोर्स इन दिल्ली। तो उन्होंने 100 से भी ज्यादा क्या किए, उन्होंने बोला है यहाँ पे कि 100 एयरक्राफ्ट आईएफ के, इंडियन एयरफोर्स के 100 एयरक्राफ्ट जो है उनको, एयरक्राफ्ट को उनके लीडरशिप में, उनके लीडरशिप में उड़ाया गया। कहाँ पे? दिल्ली के रेड फोर्ट के ऊपर, लाल किला जो है दिल्ली का, उनके लाल किले के ऊपर 100 जो है एयरक्राफ्ट उनको उड़ाया गया अर्जन सिंह के लीडिंग में, बराबर लीडरशिप में। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, उनका जो प्रमोशन हुआ किस चीज के लिए, किस पोस्ट के लिए, तो रैंक ऑफ विंग कमांडर के लिए, ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द यूके इमीजिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। ही कमांडेड अम्बाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन, उनको अम्बाला में रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन भी बनाया गया। इन 1949 ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर एंड टूक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग, उनको एओसी भी के लिए भी प्रमोट किया गया ऑफ द ऑपरेशनल कमांड, ऑपरेशनल कमांड के लिए, विच लेटर कम टू बी नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड, उसको आगे जाके वेस्टर्न एयर कमांड भी बोला जाता है, एओसी को वेस्टर्न एयर कमांड भी बोला जाता है, ऐसा बोला है उन्होंने। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्यूअर एज एओसी ऑफ द ऑपरेशनल बेस, एओसी में ऑपरेशनल बेस के लिए ये जो हमारे सिंह है वो बहुत ज्यादा समय तक वहां पे थे, इसलिए उनको वहां पे डिस्टिंक्शन मिला है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है लेखक ने। इनिशियली फ्रॉम 1949 टू 1952, 1949 का समय है बराबर, 1949 से लेकर 1952 तक और आगे जाके, एंड देन अगेन फ्रॉम 1957 टू 1961, इन दो सेशन से बराबर, इन दोनों सेशंस में उनको एओसी में ऑपरेशनल बेस पे वो थे, इसलिए उनको डिस्टिंक्शन मिला है, ऐसा उन्होंने बोला है। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, उनका प्रमोशन क्या हुआ कि रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल करके हो गया, ही वॉज अपॉइंटेड एज द एओसी इन सी, एओसी इन सी का मतलब होता है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, तो उनको एयर ऑफिसर कमांडिंग के चीफ बनाया गया ऑफ द ऑपरेशनल कमांड, ऑपरेशनल कमांड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 1962 वार, जो 1962 का वार था, युद्ध था, ठीक है, उसका जो एंड हो रहा था, ही वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एंड ही बिकेम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963। तो जो 1962 का वार था वो खत्म होने के बाद उनको क्या किया गया, डेप्यूटी चीफ किया गया एयर स्टाफ का, और 1963 में उनको वाइस चीफ बनाया गया एयर स्टाफ का, ठीक है। बाद में क्या बोला, ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा हेल्ड बिटवीन आईएएफ आरएएफ एंड आरएएएफ, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि उन ये जो हमारे अर्जन सिंह है उनको ओवरऑल कमांडर का जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए जो है शिक्षा नाम का वो उन्होंने हेल्ड किया है, मतलब उन्होंने वो अरेंज किया है बराबर, किस किनके बीच में था, आईएएफ के, आईएएफ आरएएफ एंड आरएएएफ, आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स, आरएएफ यानी रॉयल एयरफोर्स एंड आरएएएफ यानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, तो इनके बीच में उन्होंने ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी अरेंज किया है, हेल्ड किया है, मतलब वहां पे जाके ट्रेनिंग दिया होगा उन्होंने बराबर। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम यही तक रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस लेसन को खत्म करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए
ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको फास्ट मिल सके। थैंक यू।